एक स्कूल में 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, उस स्कूल की मैनेजमेंट कैसी है, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये खबर सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि एक 4 साल के बच्चे की, अब इसे हम हत्या क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं रिपोर्ट्स में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये हत्या है। दरअसल इस मसले में प्रिंसिपल को और उसके बेटे को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ प्रिंसिपल की इसमें एक स्टेटमेंट सामने आई है, अरेस्ट करने के बाद जो स्टेटमेंट प्रिंसिपल ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चा खेलते खेलते गिर गया। गिरने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आई और चोट आने की वजह से उसे काफी ज्यादा खून भी बगने लगा। जब खून बह रहा था, खून बहते बहते खून इतना ज्यादा था कि हमने उसे जो है वो गटर में फेंक दिया। ये खबर निकलकर सामने आई है और हैरान कर देने वाली ये खबर है कि 4 साल का एक बच्चा स्कूल में खेलते खेलते गिर गया। गिरने की वजह से उसे ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ब्लीडिंग ज्यादा देखकर हम लोग डर गए और हमने उसे गटर में फेंक दिया। देखिए, अगर उस बच्चे को वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, उस बच्चे को फर्स्ट एड दी जाती, ब्लड रोकने की कोशिश की जाती, तो हो सकता था कि वो बच्चा अपने घर वालों से जुदा ना होता, वो बच्चे की मौत ना होती, वो बच्चा जिंदा होता और अपने परिवार में होता। महज 4 साल का ये बच्चा, जिसकी खबर अभी फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ, ये कैसा डिफेंस हुआ कि हम खून देखकर डर गए, हमने उसे गटर में फेंक दिया। हालांकि प्रिंसिपल को और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस इस पर ज्यादा इंक्वायरी कर रही है, अभी वो दोनों ही पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि सवाल इस चीज को लेकर उठता है कि आपके बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, हालांकि जो बच्चे अपना ध्यान रख सकते हैं 5th-6th क्लास के, उनकी बात नहीं है, बट जो 5th से नीचे क्लासेस में पढ़ते बच्चे हैं, जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं, आप उन्हें अगर स्कूल भेज रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि उस स्कूल की हॉस्पिटैलिटी किस तरह की हो, उस स्कूल की मैनेजमेंट किस तरह की हो, क्या आपके बच्चों को प्रॉपर तरीके वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, क्या आपके बच्चों को सही से वहाँ पर देखा जा रहा है, क्या आपके बच्चों का ख्याल वहाँ पर रखा जा रहा है। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय टीचर्स के साथ बिताते हैं, बच्चे स्कूल्स में रहते हैं, स्कूल में बहुत कुछ सीखते भी हैं, एक दोस्त बनाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, पर अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप देखेंगे आप बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजें जो तुरंत एक्शन ले, तुरंत आपके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएं। क्योंकि अगर इस प्रिंसिपल ने भी यही किया होता है, इस प्रिंसिपल ने भी तुरंत जो है वो बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाया होता, या फर्स्ट ईयर जो स्कूल में होती है वो दी होती, या कुछ ना कुछ किया होता, उसका ब्लड रोकने की कोशिश की होती, तो हो सकता है कि वो बच्चा बच जाता। पर आपने बच्चे का ब्लड देखा और आप डर गए और आपने उसे गटर में फेंक दिया। देखें, इसकी वजह से एक 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये खबर मैं फिलहाल आपको सुना रही हूँ, आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं, आप लोगों की इस पर क्या राय है। हालांकि ये कोई डिफेंस नहीं हुआ जो प्रिंसिपल ने किया कि मैं जो है वो डर गया था ब्लड देखकर। अब आप लोगों को इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में, किस तरह से देखते हैं आप ये जो 4 साल के मासूम बच्चे के साथ किया है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते रहे ऑल द टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।